हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक अच्छे होंगे। अगर आप एएमयू जामिया की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फ्रॉम विच सिटी किरण रिजू एंड प्रमोद सावंत हैव फ्लैट ऑफ फिट इंडिया साइक्लोन। तो आपका इसी में क्वेश्चन एक और बनता है कि किरण रिजू कौन है, ये आपको चेक करके बनाना है। ये एक मिनिस्टर है। सो आंसर देते हैं, इसका आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर है पनाजी, जो सिटी का नाम है पनाजी। ओके, सो आगे चलते हैं। Who unveiled the logo and brand Apna Urea Sona Ugle, ठीक है, of Hindustan Yuark and Rasiyan Limited। तो इनका नाम है डीवी सनंदा गोवर्धा। इसको चेक करें, ये ज्यादातर न्यूज में रहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट विल सेलिब्रेट चपचाकुट फेस्टिवल। एक काम आपका ये है कि चपचाकुट फेस्टिवल क्या है, इसको डिटेल में आप देखें एक बार, कम से कम पता होना चाहिए। तो कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है, वो है मिजोरम। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लाइक काइट फेस्टिवल, इनोवेशन फेस्टिवल और सारे फेस्टिवल्स हैं। तो आप जाएं इसकी प्रीवियस वीडियोस देखें और पता करें कौन कौन से फेस्टिवल मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचोनक इंटानोन हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ 2020 इंडोनेशिया मास्टर बाय डिफीटिंग ग्लोरिनिया मैरिन। शी इज फ्रॉम विच कंट्री, ये है थाईलैंड से। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Who will take over as the new vice chief of army staff? देखिए ये अपॉइंटमेंट है और जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो जामिया या एएमयू जरूर पूछे जाते हैं। इस पुरानी वीडियो में मैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स थे वो भी बताए हैं। तो यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो है, इनको बुलाए एस के सैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड अ 3500 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर कैबल मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसाइल, तो मिसाइल का नाम है केपो। चलते हैं। कुलदीप यादव हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टुक 100 विकेट्स। ही रीच्ड टू दिस माइलस्टोन इन हिज डैश मैच। तो ये 58 मैच है और कुलदीप यादव कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। बापू नटकर्णी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो ये क्रिकेट से है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई नहीं। आगे चलते हैं। इन टेनिस, सानिया मिर्जा एंड हर पार्टनर नादिया किचनोक हैव वॉन वुमेन डबल टाइटल ऑफ द WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी एट होबर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। नादिया इज फ्रॉम विच कंट्री, तो नादिया जो बिलोंग करती है वो यूक्रेन को करती है। इसकी कैपिटल देख लेना आप और करेंसी देख लेना। आगे चलते हैं। विच टीम वॉन द 2020 डिप्लोमेटिक कप क्रिकेट चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन दुबई। सो द राइट आंसर इज इंडिया, इंडिया ने करा है। आगे चलते हैं। इन यूक्रेन, प्राइम मिनिस्टर ओलेकिश tendered his resignation to President Volodymyr Zelensky. So right now, what is the capital of Ukraine? So the answer is Kyiv. Okay, Kyiv. Who has been appointed as a chairperson of the Executive Council of NMML? So पहली चीज आपको ये देखना है कि एक जो पूछा गया क्वेश्चन में वो है निरपेंद्र मिश्रा। So, जो मैं कह रहा था वो ये है कि NMML की फुल फॉर्म आप देखें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और सारी चीजें इसके बारे में देखें। And next question is in front of you, that is which country India has agreed to further strengthen cooperation to ensure maritime security in India Ocean region and sharing of the intelligence input? So it is Sri Lanka। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आपसे ये पूछा जाए। श्रीलंका हाईलाइट हुआ है तो इसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, करेंसी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। Who lead an Indian delegation to 5th World Economic Forum at Davos? So ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन से मिनिस्ट्री में आते हैं, देखें आप कौन से मिनिस्टर हैं। And next question is, in which city 9th International Children Film Festival organized? देखिए फिल्म फेस्टिवल आ गया, अभी काइट फेस्टिवल था और सारे फेस्टिवल्स हैं।
तो ये कोलकाता में है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि काइट फेस्टिवल कहाँ हुआ था, और मैंने एक और बताया था वो था इनोवेशन फेस्टिवल, तो ये आपको चेक करके बताना है। आगे चलते हैं। Which country has started production of $400 long range surface to air missile system for India? And all the five unit will be delivered by 2025. So answer is Russia. And the next question is, who has been elected as a president of Archery Association of India? Archery Association of India, that is Arjun Munda. Important question hai, very very important question hai, isko mark karna. So the next question in front of you, that is, according to Global Wealth and Lifestyle 2020, which city has been ranked as the cheapest city for purchasing luxury goods and services? Ye part 1 mein hum discuss kar chuke hain, lekin ye repeat ho raha hai. So right answer is Mumbai. Aage chalte hain. Who has conducted the biggest airborne exercise Wing Rider in the Northeastern Theater? So the answer is Indian Army. आगे चलते हैं। Which country will host 19th Council of Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organization? So answer is India. This question is also repeated. It's we cover in the first part. So next question is, who has been appointed the Queen Council for the Court of England and Wales? So ये थोड़ा सा important है और answer है Harish Salvey. Who has flagged of Tejas Express train between Ahmedabad and Mumbai Central? एक question था हमारा पूछा गया था कि कौन से stations के बीच में ये train चली है, तो वहाँ पर answer था Ahmedabad and Mumbai. अब question ये बना है कि किसने इसको flag off किया है? So right answer is Vijay Rupani. विजय रूपानी कौन है, कौन से मिनिस्ट्री में आते हैं, ये आप चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच बैंक हैज बीन चोजन टू पे रशियन आर्म्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। रशिया, देखिए रशिया बार बार क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पर, तो रशिया की करेंसी कैपिटल याद करके जाएं जब भी आप एंट्रेंस होगा। हालांकि जामिया का एंट्रेंस और एएमयू का एंट्रेंस जो है अगस्त में होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद क्या नोटिस आए वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाए, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का। सो द राइट आंसर इज यूको बैंक। तो यूको बैंक की आप हेडक्वार्टर देख सकते हैं कहाँ पर है, और चेयरपर्सन कौन है वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, जैसा कि हम रोज 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी के साथ साथ हमारे अवार्ड्स की सीरीज भी चल रही है, पॉलिटी सीरीज भी चल रही है। आने वाले कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों में हम अपनी इंग्लिश की सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। So the last question is, World ICRI has lifted suspension on India. Important question is, suspension hua India ka. Where is the headquarter of World ICRI Federation? So it is Lausanne, Switzerland. So aaj ki slides yahi puri hoti hain. अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। थैंक यू।